नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपको टुडेज़ का हमारे न्यूज़ कार्यक्रम में। और आज हम हाजिर हैं टॉप 20 टेक्निकल न्यूज़ के साथ। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी 20 बड़ी खबरों के साथ। अपने ग्राहकों पर मेहरबान हुई ऑनर, इस तगड़े फ़ोन पर मिलेगी 3000 रुपये की छूट। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी आसूस के हाल ही में लॉन्च हुए जेनफोन मैक्स प्रो M2 की पहली सेल आज से फ्लिपकार्ट पर आयोजित की जा रही है। गूगल ने अपने एंड्रॉयड मैसेज ऐप के लिए नया अपडेट जारी किया है। फेसबुक के फोटो लीक होने की वजह से थर्ड पार्टी ऐप बताई जा रही है। वोडाफोन ने लॉन्च किया 169 रुपए का नया प्लान, जियो के मुकाबले मिलेगा ज्यादा फायदा। ऑटो रिक्शा में सफर करने वालों के लिए गूगल मैप ला रहा है खुशखबरी। देश की बाल साइंस एवं रोबोटिक्स टीम अब रूस में बिखरेगी अपना जादू। टेलीविजन देखने वाले हो जाएं सावधान, 1 जनवरी से आपको हर चैनल पर MRP पर खरीदना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा पर होगा आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक। 41 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा के साथ लॉन्च हो सकता है Realme 3 Pro स्मार्टफोन। दुनिया भर में 5G सेवा के लिए टेलीकॉम सेक्टर ने तैयारी शुरू कर दी। जियो स्मार्टफोन की तैयारी शुरू, कॉलिंग और इंटरनेट के बाद अब सस्ते होंगे स्मार्टफोन। जियोनी ने अपने 3 नए स्मार्टफोन्स को भारत में किया लॉन्च। आपके मॉडर्न गैजेट्स को चौपट कर सकता है कंप्यूटर चिप की खामियां। सुपर कंप्यूटर के लिए भारत के C-DAC फ्रांस के एटोस ने किया समझौता। फॉसिल ने युवा भारत के लिए लॉन्च किए 7 नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट वॉच। आपकी डिजिटल जानकारी मात्र 3500 रुपये में उपलब्ध। यूट्यूब ने वीडियो मंच पर आपत्तिजनक सामग्री वीडियो हटा दिया। 13 वर्ष का भारतीय लड़का बना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी का मालिक। अब QR कोड के जरिए ऑफलाइन किया जाएगा आधार वेरिफिकेशन, UIDAI ने पूरी की तैयारी। ये थी टेक्नोलॉजी दुनिया से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़। और अब अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए हमारे टुडेज ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं।